जितना भी टाइम मेरे साथ यहाँ पर काम किया, आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ वुमेन्स डे की। 8 मार्च सेलिब्रेटेड है वुमेन्स डे, तो सारी खातूनों के लेवल पे और है, फैमिली के लेवल पे भी है, और साथ साथ जब आप प्रोफेशनल भी बनती हैं तो प्रोफेशनली भी आपसे कुछ तवक्को है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो आपसे ये सोच के काम नहीं लेते कि आप औरत हैं या मर्द हैं, उनको अपने गोल्स से और अपने डेडलाइन से मतलब है, तो आज वो दिखा रही है। एक जमाना था जहाँ औरतों को वोट का भी हक नहीं था, इवन अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में भी पिछले 30 साल पहले। आई वेलकम 20 फार्मर्स, वुमेन फार्मर्स ऑफ टू ग्रुप्स। रही बात जुडिशियल पार्ट की, जुडिशियल की इज देयर पहले, और कोई आपको छोटा नहीं समझा सकता, कोई आपको ऐसा नहीं समझा सकता। ऐसा फील नहीं हुआ, आई वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मैंने पंजाब में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, 5-6 साल मेरे सर्विस कोर हो गए, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। और अपने काम से, अपनी सोच से इसको बदल सकते हैं। जब आप बदलेंगे, जब आप इंडिविजुअली बदलेंगे, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्टूडेंट्स जो आपको आइडल मान के चल रहे हैं, उनके लिए आज के दिन के हिस्से से क्या मतलब आपका पैगाम रहेगा? और मैं सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि औरतों को रिस्पेक्ट दीजिए। अपने भाइयों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ रिस्पेक्ट विमेन। हर औरत जो है, चाहे वो घर के अंदर काम करती हो या घर के बाहर काम करती हो, वो एक काबिल रिस्पेक्ट शख्सियत है। और मैं ये अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमेशा कॉन्फिडेंट जो है रहना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका जो है अपने में कॉन्फिडेंस हो, आप अपनी रिस्पेक्ट करें, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और खुदा ने हर मर्द और औरत को इक्वल बनाया है, इक्वल कैपेबिलिटीज़ दी हैं। जब तक कि आप में वो विल पावर नहीं होगी, जब तक आप में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तई नहीं होगी, तब तक आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते।